सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और गांव की लोकेशन कुछ इस टाइप की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम कैंट स्टेशन पे हैं, और मैं कैंट स्टेशन पे क्यों हूँ उसकी वजह ये है कि हम लोग जा रहे हैं कश्मीर। साइम हाय, साहिर फैजान हाय। हम लोग जा रहे हैं कश्मीर, अचानक प्रोग्राम बना, मैं लास्ट ब्लॉग में बताना भूल गया था। एक बज रहा है और ट्रेन अभी तक नहीं आई है हमारी। उन्होंने कहा है कि 2 बजे तक ट्रेन आएगी, तो वेट करते हैं ट्रेन का। एक सामने से ट्रेन आ तो रही है, लेकिन पता नहीं है कि वो हमारी है या नहीं। हैदराबाद हम पहुँच गए, 5:30 हो रहे हैं। इसकी टाइमिंग थी 4 बजे की पहुँचनी, लेकिन 5:30 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारे को 2 घंटे लेट पहुँचा रही है। लेकिन देखते हैं कि अब ये गुजरात किस टाइम पहुँचाएगी, कितने देर यहाँ स्टे होगा। वैसे तो नॉर्मल आधे घंटे का स्टे होता है, लेकिन अब आज पता नहीं, शायद 15 मिनट में स्टे करके निकल जाए। आधे घंटे का स्टे था, लेकिन 5 मिनट स्टे किया और उसके बाद निकल गई। अभी जल्दी जल्दी अंदर चढ़ते के 10 बज रहे हैं, और अभी रोड़ी पहुंची है, और रोड़ी में भी लगता नहीं है कि ये रुकेगी, क्योंकि पिछले हैदराबाद में इसने सिर्फ 5 मिनट का स्टे किया और उसके बाद निकल गई है। अभी मुझे खाना लेना, खाना कहीं मिल नहीं रहा है, खाना लेना है और खाना लेके जाना है, क्योंकि सब भूखे बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रेन रुकी नहीं। और अब जो है एक जगह सेंटर में रुकी थी इसने, जो वीरान जगह थी, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ खाना लेना, खाना लेके लेके जाना है। देखता हूँ पहले मिल गया रहा, उसके बाद फिर जो है ना अंदर दिखाता हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से ये दाल और रोटियाँ मिली हैं, 4, इसी पे गुजारा करते हैं फिलहाल, देखते हैं फिर। गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे है ये, और अभी हम लोग पहुँचे हैं जानी वाला के पास, पता नहीं कौन सा स्टेशन है जानी वाला। और अभी फैसलाबाद जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा 2 घंटा दूर है। फैसलाबाद से आगे भी 3 घंटे की सफ़र है, तो ट्रेन और लेट हो चुकी है, लेकिन ये है कि सफ़र का जो है वो मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं, यहाँ पे फिर क्रॉसिंग दिए, कोई 5-6 क्रॉसिंग जो है वो ट्रेन दे चुकी है, अब फिर दिए, अब देखते हैं। पता नहीं किस किस गाड़ी को ले दिए, और मेरे पीछे जितना सारा जंगल नज़र आ रहा है आप लोगों को। नाश्ता अभी तक किया नहीं है, नाश्ता करना है अभी, और मैं सोच रहा हूँ नाश्ता जो है वो फैसलाबाद में ही जाके करें, फैसलाबाद से नाश्ता अच्छा मिल जाएगा, तो वो कर लें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि फेस और बालू की हालत ऐसी हुई हुई है ख़तरनाक। तो मैं नाश्ता ढूंढता हूँ पहले, फैसलाबाद पहुँचे उसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्या करना है, किस तरह जाना है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये टाइम से चलती ट्रेन तो अभी हम लोग गुजरात में होते, लेकिन कल यहाँ से निकलते हुए लेट हो गई थी ट्रेन, क्या कर सकते हैं। 2:11 हो गए और अभी तक वज़ीराबाद नहीं आया, वज़ीराबाद आएगा उसके बाद हमारा स्टेशन आएगा। नेक्स्ट स्टॉप जो है वज़ीराबाद ही है, वज़ीराबाद का वेट कर रहे हैं। वज़ीराबाद आ गया, एक बार वज़ीराबाद आ जाए फिर उसके बाद 15 मिनट का सफ़र है उसके आगे, फिर गुजरात, उसके बाद सुकून से ट्रेन से उतरना है, जो पूरे दिन के चक्कर है उस
सब खत्म हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं, बाकी आगे का पता नहीं। और अभी हम भी स्टेशन पे आए हैं और हमारा सामान उतर रहा है, तो मैंने भाई से बोला भाई थोड़ी सी लोडिंग वोडिंग कर देगा। और फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे गुजरात, तो अभी एग्जैक्टली हमें टाइम लगेगा घर जाने के लिए एटलीस्ट आवर तक लग जाएगा, घंटा लग जाएगा। आपको करते रहेंगे अपडेट, सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आरजे फिल्म। फाइनली 3 बजे जो है हम लोग गुजरात पहुँच गए, और 3 बज रहे हैं। इसकी टाइमिंग गुजरात पहुँचने की जो थी वो 12 बजे की थी, लेकिन 3 बजा दी है इसने। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे के बाद फाइनली गुजरात पे आ गए, और अभी ऑलमोस्ट हम लोगों को 2-3 घंटे लगेंगे, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा है घर जाने में। गुजरात मेरा ऐसे दिखता है कुछ, और ये डैड अभी हालत बिल्कुल ख़राब है, पहले जाके फ्रेश होंगे उसके बाद जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक आप रास्ते में जो एंजॉय करें कि रास्ते का जो है व्यू कैसे हमारे गुजरात का। 26 घंटे बाद पहुँचना पड़े और आपको सामान उठाने के लिए खुली बनाया जाए, तो कैसा लगता है आप लोगों को? ये आजाद कश्मीर का बॉर्डर, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और गांव की लोकेशन कुछ इस टाइप की है, और फ्रेश व्रेश हो चुके हैं, खाना खाने का टाइम है, खाना खाएंगे क्योंकि यहां पर जो है लोग जल्दी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तो खाना वाना खाएंगे उसके बाद फिर अपन लोग जो है उसके बाद बैठता हूं। और मुझे अभी व्लॉग एडिट करना है, व्लॉग एडिट करने में कम से कम मुझे 1 घंटा लगेगा, तो अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं सुबह इसके अलग से शॉट बनाऊंगा, सुबह सनराइज़ के जो शॉट है वो मैं बनाऊंगा और वो फिर मैं दिखाऊंगा, वो कुछ अलग ही सीन के आएंगे, वो मैं दिखाता हूँ। वो सामने, वो बिल्कुल सामने मामू का घर है, उस तरफ से बैक की तरफ से जब सूरज निकलता है तो उस तरफ से बहुत ज़बरदस्त शॉट जो है वो दिखते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि यहाँ पर सब रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह वहाँ जल्दी उठेंगे, तो जितनी जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे, और उठने के बाद सुबह सुबह कोशिश मेरी यही है कि वो शूट अगर हो गया आप लोगों को दिखाने के लिए तो अच्छी बात है, कोशिश करूँगा। और क्योंकि मेरा ये कश्मीर का जो ट्रिप है वो ऑलमोस्ट 10 से 20 दिन का होगा, और उसके बाद वापस कराची, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हम कश्मीर आए हुए, तो ये 2 साल बाद का मेरा ट्रिप है, तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।